तो अब इन लोगों को अगर मौका मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे, इंडिया जाना चाहेंगे या पाकिस्तान जाना चाहेंगे? इंडिया आना चाहोगे या पाकिस्तान जाना चाहोगे? वहाँ लोग यहाँ पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के साथ मिलना चाहोगे, इंडिया या पाकिस्तान, तो किसके साथ जाना चाहोगे? आप लोग क्या के लिए आया, जोरी पिलाने के लिए आया है? आप गुस्से मत होना, खून है ना, खून खून वो पीता है इंडिया वाले, इंडिया वाला है। पाकिस्तान तो अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि इंडिया या पाकिस्तान, टोटल 3 साल में 6 लाख कमाया और यहाँ कितना कमाते हो? ऑब्वियसली पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान। पाकिस्तान पसंद है क्योंकि मुस्लिम है। हाँ। अगर आपको इतनी अरबी अच्छी लगती थी हाँ। तो फिर 1971 में अलग क्यों हुए? So hello guys, welcome again to my next vlog। और yes, हम इस वक्त हैं बांग्लादेश के अंदर और मैं पहुंच चुका हूं ढाका के अंदर दोबारा से। जैसे कि बता पीछे का मैंने पूरा ट्रिप करा था, ढाका आया था, ढाका से मैं चटगांव गया, फिर कॉक्स बाज़ार गया, कॉक्स बाज़ार आज सुबह पहुँचा हूँ। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि भैया लोग 1971 से पहले जब ये पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, और उससे पहले 1947 से पहले ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही इंडिया थे, तो भाई ऐसा क्या हुआ, एक तो अलग हो गए, चलो अलग हुए तो हुए। तो अब इन लोगों को अगर मौका मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे, इंडिया जाना चाहेंगे या पाकिस्तान जाना चाहेंगे? तो ये बात करने वाले हैं इस ब्लॉग में। क्या लगता है ये बात करनी चाहिए और लोग बुरा तो नहीं मान जाएंगे? मान भी सकते हैं यार, फिर भी देखते हैं। और उसके लिए मुझे वो लोग ढूंढने पड़ेंगे जो हिंदी समझते हैं, हिंदी में बात कर पाते हैं। हिंदी समझते हो? क्या नाम है अपना? मानिक है। मानिक, हिंदी समझ आती है? कम कम आता है। जो कम कम आता है तो फिर समझाना दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। क्या हाल चाल है सर, हिंदी समझते हैं? अभी तो ना बोल दिया, मतलब समझते हैं है? नो हिंदी, नो हिंदी, चलिए कोई बात नहीं। और ये सारे पटाव वाले हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे मैं इंडिया से हूँ हाँ। तुम बांग्लादेश से हो हाँ। 1947 से पहले तो पूरा इंडिया था हाँ। मानते हो ना ये बात हाँ। उसके बाद पाकिस्तान बने, उसके बाद पाकिस्तान से भी हटके तुम बांग्लादेश बने। पर अगर तुम्हें ऑप्शन मिले इंडिया आना चाहोगे या पाकिस्तान जाना चाहोगे, तो कहाँ जाना चाहोगे? इंडिया। इंडिया पक्का हाँ। वजह? वजह इसलिए जे हम जब हमारा देश जब स्वाधीन के लिए युद्ध करता है हाँ। तब इंडिया हमारे बहुत सपोर्ट किया, वो 1971 की फाइट हाँ, की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इंडिया से। हाल फिलहाल अभी भी इंडिया से बहुत सारी चीजें आती है, वो भाई नाराज है। तुम कहाँ जाना चाहोगे? वो बोला ही नहीं कोई। इंडिया जाओगे? अच्छा। आपके यहाँ पे भी महंगाई है, जो यहाँ पे सब्जी हमारे यहाँ पे जैसे 10 रुपये का है, यहाँ अभी यहाँ भी 25 से 30 रुपये का है, डबल है, ट्रिपल है। मैंने देखा है आपके टीवी पे सारे इंडियन चैनल आते हैं, सारे इंडियन चैनल आते हैं। कुछ दिन के बाद जो जो मूवी रिलीज हो रहा है ना सब बांग्लादेश। पठान देख ली शाहरुख खान की? पठान तो अभी है। क्या बात बहुत है, बार देखा। KGF देखा? बहुत बार देखा। इंडिया इंडिया की फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरा फेवरेट मूवी है पुष्पा। पुष्पा, क्या बात है। कौन सी? लगान। के लिए बहुत कुछ है फिल्म में, लगान की बोलो, 3 इडियट्स हाँ, वाह वाह है। तो मैं पी के ये इंडियन लोग को बहुत पसंद करता है, अच्छा बहुत पसंद करता है, तारीफ करता है। बंगाली या बांग्लादेशी? क्योंकि बंगाली तो हमारे यहाँ भी है हाँ, बांग्लादेशी हाँ, इंडियन आदमी को बहुत पसंद करता है हाँ। मगर इंडियन लोग हाँ, यहाँ पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करता। आपको किसने बोला? तो इंसल्ट करता है। ऐसा नहीं है, कोलकाता गया, कोलकाता गया, अरे देखो मैं बहुत इंसल्ट करे बंगाली को, खाने के लिए, घूमने के लिए, कपड़ा किलने के लिए बहुत इंसल्ट करते। तो अब आपकी किस्मत खराब होगी कि आपको मिले बुरे लोग हैं। मुंबई घूमो, दिल्ली, ऐसा मत करो यार, देखो कैसे नाराज हो रखे हैं। सॉरी भैया अगर आपके साथ किसी ने बदतमीजी की है तो। कौन क्रिकेटर कौन फेवरेट है? मेरा MS धोनी। धोनी? विराट कोहली नहीं? धोनी। धोनी। तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? धोनी। मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। चलो हीरो कौन पसंद है? शाहरुख खान। सलमान खान नहीं? चलो सलमान खान अच्छा है, तीनों खान अच्छा है। नहीं वैसे 4 है, एक सैफ अली खान भी है, वो बेचारा थोड़ा कम चलता है। वो तो अमिताभ बच्चन की थी, सूर्यवंशम 10 बार 15 बार। अमिताभ बच्चन की फेवरेट मूवी शराबी। शराबी? मूछे हो तो नथुलाल जैसी है, मूछे हो तो नथुलाल जैसी वर्णना ना हो। बढ़िया यार, अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम्हें मौका मिले दोबारा से, पाकिस्तान जाना चाहोगे या इंडिया जाना चाहोगे? अगर तुम्हारी कंट्री को ऑफर दिया जाए कि भैया तुम इंडिया के साथ मिलना चाहोगे या पाकिस्तान के साथ? ऑफर नहीं चाहिए। अरे बांग्लादेश, तुम बांग्लादेश में ही रहोगे, पाकिस्तान में नहीं जाना, पाकिस्तान में जाना, इंडिया में नहीं जाना चाहोगे, हमसे मिल जाओ टोटली बांग्लादेश। तो अरे वो बात तो वही हुई, अगर हम भी मिलेंगे तो तुम इंडिया के साथ मिलना चाहोगे, तो इंडिया इज बेटर। वीजा चाहिए आने जाने के लिए, वो चक्कर खत्म हो जाएगा। आप किसके साथ मिलना चाहोगे? पाकिस्तान के साथ नहीं समझते, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहोगे। जितनी आपकी सैलरी है ना वहाँ पे 10 दिन ही सर्वाइव कर पाओगे, बाकी ये है कि अच्छा लगा। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, आपने दाढ़ी रंगीन क्यों कर रखी है? 2 शेड हो रखा है ना, 2 शेड हो रखा है, मेहंदी लगा रखा है तो, पर वो सफ़ेद बाल तो फिर दिख गए। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, मैं वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना, मैं इंडिया से हूँ। अगर आपको मौका मिले इंडिया या पाकिस्तान, तो किसके साथ जाना चाहोगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान जाना चाहोगे। पाकिस्तान के हालात आपके आपसे ज़्यादा बुरे हैं, इंडिया के साथ नहीं जाओगे, क्यों? आप लोग क्या के लिए आया, जोरी पिलाने के लिए आया है? लोगों से वैसे मिल रहा हूँ, लोग क्या सोचते हैं क्या जानते हैं, बस वैसे ही मिलेंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा। भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है लेकिन देता नहीं है। अच्छा फायदा लेता है, दादा नेता है, देने के लिए आता नहीं है। तो फायदा क्या लेते हैं बांग्लादेश से? जो कुछ है सब कुछ में नहीं, मुझे नहीं पता ना, आप आइडिया देता नहीं है, देता नहीं है, लेते हैं, लेता है। आप गुस्से मत आना, खून है ना, खून खून वो पीता है इंडिया वाले, इंडिया वाला है, इंडिया वाले बांग्लादेश वाले वो खून पीते हैं, है खून पीता है। कैसे? तुम देखो हमारा बंगाल का आदमी जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं ना सर, वो तो फॉरेन हो गया, ने तुमको हम बताएगा उनसे हमें क्या लेना देना। मिडिल ईस्ट में तो इंडिया वाले भी लेबर काम करने आते हैं, सुनो बंगाली जो काम करता है वो बाकी सोचे कि लड़ाई हो गई, वो बात दो। अच्छा बोलो वो क्या करता है, वो भी हम लोग का अच्छा नहीं देखता। वो देखो वो आप इंडिया की बात करो ना, वहाँ की बात क्या करना है, वो इंडिया ही है। अब फॉरेन में जो काम कर रहे हैं वो इंडिया कैसे हो गया? वो तो ने वो हम छोड़ दिया। हम बोलता है जो इंडिया ऐसा है, हाँ। वो हम लोग से नेता है, लेते हैं, लेके जाता है। सर क्या लेता है वही तो पूछ रहा हूँ। कुछ देखो तुम्हारे साथ हमारा दोस्ती बनेगा ना, तुम हमको एक बेला खिलाएगा, हम दूसरा बेला तुमको खिलाएगा, ये दोस्ती का वो हो गया, हिसाब हो गया, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। लेकिन वो लोग यही ऐसा है, वो हमारा से लेके जाता है। सर लेता वही मैं कह रहा हूँ, लेता क्या है ये तो बताओ मुझे। देखो वो इंडिया में प्याज होता है, तो हमारा मुल्क में प्याज किसान जो जमीन से उठा के लेके आता है ना, वो हमको देता है। हमारा किसान को प्याज तो इंडिया से आता है ना, यहाँ इंडिया से आता है, जो भी हमारा घर में है, हाँ? उस टाइम पर वो देता है, किस लिए देता है बात नहीं समझ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चलो सारी बात छोड़ो। जो भी हमारा आप नाराज हो इंडिया से, कहने का मतलब ये है हमारा जो भी क्राइसिस होता है, हाँ, जो भी हमारा कुछ नए नहीं मिलते, हाँ, आने के लिए उस टाइम पर नहीं देता है। जो भी हमारा पॉकेट भरा है तो उस टाइम पे देता है। चलो आप इस चीज के लिए नाराज हो, अपने बाकी सब ओके है, बाकी कुछ के लिए नहीं। चलो आप मेरे से तो नाराज नहीं हो ना, वो जो बॉर्डर में है ना, हम लोग को मारता है, ठीक है सब टाइम पर मारता है, मतलब आपको जरूरत के टाइम पर ही मिलता, पैलेट मिलता है। तो ये तो आपकी सरकार का काम हुआ ना, इंडिया का काम थोड़ा ना हुआ। सरकार नहीं है सर, उधर का आदमी भी ऐसा है, मेरी बात नहीं समझे, ये काम तो सरकार का है, हाँ। आपकी सरकार करेगी, इंडिया आपकी सरकार नहीं है ना। सरकार क्या है, सरकार तो आदमी ही है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसे सर? वैसे बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था अब आपको क्या लगता है कि इंडिया आप लोगों से फायदा उठाता है? बांग्ला बोलते हैं, मेरे को बांग्ला नहीं आता और ना मेरी ऑडियंस को समझ आएगा। चलो थैंक यू सर, थैंक यू भाई। उनको ऐसा लगा कि भैया इंडिया उनका टाइम टू टाइम हेल्प नहीं करता है, मतलब जब उनको ज़रूरत होती है। देखो इस मामले में तो सरकार का काम है, पर उनकी बात को कोई सर पर नहीं था, मुझे ये भी मालूम सब पता चल गया। कह रहे मिडिल ईस्ट में वहाँ पे हम लोगों पे वो अत्याचार करते हैं, भाई वो तो उनका काम है, मल्टीनेशनल कंपनी है, क्या यार। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, इसका चेहरा ना हमारे एक ब्लॉगर से मिलता है, बताना कौन है वो। बांग्ला नहीं आता है? बांग्ला नहीं आता, मुझे हिंदी आता है। मैं मुंबई ढाका है। अरे मुंबई घूम के आए हो, अरे क्या बात है। तो यहाँ कैसे आ गए वापसी? मैं बंगाली हो, तो फिर मुंबई वालों ने रखा नहीं क्या? मुंबई छोड़ना होता है ना। अच्छा छोड़ना होता है, वीज़ा कम था। कमा के आए या बिना कमाए आए? कमा के आए। सिलेंडर का काम करता है। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे छोटी सी, अगर तुम्हें मौका मिले इंडिया जाने का या पाकिस्तान जाने का, कहाँ जाओगे? इंडिया जाने। इंडिया जाओगे? मज़ा आया इंडिया में? पैसा भी है, साफ सफाई भी है, सबका आपने अच्छा है, सब अच्छा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इंडिया वाले बहुत बुरे हैं, हमारा फ़ायदा उठाते हैं। इंडिया ना जाए वो आदमी इंडिया से नहीं जाता है। हाँ। तो क्या क्या पूछता है। हाँ, आप गए हो, लोगों से मिले हो। हाँ। लोग अच्छे हैं वहाँ के, इंडिया सबका आदमी अच्छा है, सब अच्छा है। आप कितना टाइम रहे इंडिया में? 3 साल 2 महीने। 3 साल 2 महीने रहे हो। कमाने के लिए गए थे? पैसा कमाने। कितना कमा लेते थे? हैं 6 लाख। 6 लाख टोटल? 3 साल में 6 लाख कमाया। और यहाँ कितना कमाते हो? इधर काम नहीं है, पैसा नहीं मिलता। यहाँ काम नहीं है, पैसा नहीं मिलता। वैसे तो बहुत, वहाँ पे तो काम बहुत तरह का है। दोबारा मन नहीं करा जाने का? जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। अब आजकल वीज़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया ना, वीज़ा दे नहीं रहे जल्दी से। चलो अच्छा, मतलब साल का 2 लाख कमाया तुमने। चलो बढ़िया यार। मैं दिल्ली से हूँ, अच्छा लगा तुमसे बात करके। आप कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका पूरा? हमारा नाम मोहम्मद अफसरुद्दीन। मोहम्मद अफसरुद्दीन। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, ये कब से कर रहे हैं काम? ये तो 1982। 1982 से कमाई हो जाता है? थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे 1947 से पहले सारा इंडिया था, फिर पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, तो अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपको पाकिस्तान के साथ जाके मिलना है या फिर इंडिया के साथ मिलना है, तो किसके साथ मिलना चाहोगे? पाकिस्तान तो छोड़ गया ना, छोड़ दिया। तो इंडिया में हम लोग को बहुत हेल्प करता है, हेल्प करता है। पर कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया हेल्प नहीं करता आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं, हेल्प करता है, इंडिया हेल्प करता है। तो क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम है मुर्शिद। मुर्शिद काम करते हैं अपना? है काम करते हैं, काम करते हैं। सर एक चीज़ हुआ मुझे, अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान जाना चाहोगे? क्यों? पाकिस्तान का सारा बंदा अच्छा लगता है, पाकिस्तान के लोग अच्छे लगते हैं, इंडिया के अच्छे नहीं लगते। आपको पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है, मतलब पाकिस्तान जाना चाहोगे? तो भाई हमें मिले मोहम्मद शाहजहां, ये कहीं के सुल्तानों वाला नाम है। अच्छा मैं इंडिया से हूँ, आप बांग्लादेश से हो। 1947 से पहले पूरा इंडिया था, फिर पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। तो अगर आज की डेट में तुम्हें पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़े, किसको चूज़ करोगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान। मुस्लिम हो, पाकिस्तान को चूज़ करना था तो पाकिस्तान से अलग क्यों हुए? मुस्लिम हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी कंट्री से ज़्यादा और पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हमारे इंडिया में, मालूम है? हाँ। तो फिर मुस्लिम हूँ तो मतलब क्या क्या मुस्लिम कंट्री इसलिए? तुम्हें मालूम है तुम्हारी कंट्री से ज़्यादा बुरे हाल है उनके, तो वहाँ जाके क्या करोगे? कुछ नहीं। फिर मतलब क्या वजह है कि पाकिस्तान को चुनने की? मुस्लिम कंट्री है बस इसलिए। इंडिया ही फेवर में है, पाकिस्तान फेवर में होता तो उससे छुटकारा थोड़ा पाते। 1971 में फेवर में इंडिया था, खड़ा था साथ में, तो उसने छुटकारा अलग कराया ना। अब उसके बाद भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी चीज़ें इंडिया से आती हैं। पाकिस्तान से कुछ आता है यहाँ पे? कुछ मंगवाते हो, लेते हो पाकिस्तान से कुछ? नहीं नहीं, इंडिया के सामान बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया का ज़्यादा आता है। फिर भी पाकिस्तान जाना चाहोगे? दूसरा बंदा ये एक वो जो बेफजूल में झगड़ रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। और ये भाई कह रहा है वो मुस्लिम है इसलिए जाना चाहिए। चलो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। क्या स्टूडेंट हो आप? कहाँ से हो? मैं इंडिया से। इंडिया से हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं आना चाहिए यार ना, आना चाहिए। तो पूछा तो ऐसे ऐसे नहीं आना चाहिए। नहीं, नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसरा आलम जुई। अफसरा आलम जुई। आलम जुई। और आपका नाम? सुमैया आनंद। जी बताओ पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है या इंडिया ज़्यादा अच्छा है? पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। आप पाकिस्तान गई तुम? पाकिस्तान पसंद है क्योंकि मुस्लिम है? हाँ, हाँ। मेरे लिए हाँ। अब मैं उसके लिए बता, आपको मालूम है आपके यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 17 करोड़ है। आपकी पॉपुलेशन से डबल मुस्लिम हमारी कंट्री में है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हमारी कंट्री में। आपको मालूम है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन मालूम है कितनी है इंडिया की? कितना? 140 करोड़। और जिसमें से लगभग 45 करोड़ मुस्लिम है। कितने? 45 करोड़ मुस्लिम है। अब बताओ आप कह रहे हो मुस्लिम है इसलिए? इंडिया में वो लोग तो हिंदी में बात करते हैं, बट पाकिस्तान में तो अरबी से बात। तो आप एक चीज़ बताओ, अगर आपको इतनी अरबी अच्छी लगती थी तो फिर 1971 में अलग क्यों हुए? वो तो मतलब अभी आप पाकिस्तान जाना चाहते हो? आप पाकिस्तान जाना चाहते हो? भाई नई जनरेशन पाकिस्तान जाना चाहती है। वो लोग तो हमें वीज़ा नहीं देगा, वहाँ का वीज़ा लगने के बाद ना बड़ी कंट्री में जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैं लेना नहीं चाहती। अभी अगर जाना चाहती हो तो वीज़ा नहीं लेना चाहती है। मुझे और भी कंट्री घूमना पसंद, और कंट्री घूमना पसंद। हाँ। जैसे मैं बहुत कंट्री घूम चुकी हूँ। कहाँ कहाँ घूमना? पेरिस, इंग्लैंड। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो भैया बाय 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 बाय। तो भैया इस वीडियो को इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक मार देना, भाई को सपोर्ट जरूर करना, कमेंट कर देना। जिंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो भैया हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार बरसाते रहो। अच्छे से देश में अच्छे अच्छे लोग हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत है भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा है, बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय 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 बाय।